साला शो शुरू हुआ नहीं, अभी से फट गई पैंट। अरे मैंने समझाया था तुम लोगों को कि सुरेंद्र की पैंट में मैं फिट नहीं आऊंगा। अरे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता यार। अगर अभी तुम लोगों ने मुझसे करवाया ना, देन आई विल कॉल माई डॉटर। क्या जीतू जी, नहीं अपना वाला करो तो लीजिए। तो स्वागत है आप सब लोगों का इस मस्ती और मजाक, शबनम और रजाक भरे धमालिस्टिक शो में, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे। और सर इस शो में मैं भी हूं सर, सर से पांव तक ढकी हुई धधकती जवानी डॉली। क्या डॉली भी नहीं? तो ये वाले में तुझे बहुत मजा आएगा। पाजी पाजी कमाल हो गया। क्या सुरेंद्र भी नहीं? साले कितना भी मना कर ले, ये तो मैं करता ही रहूंगा। तेरी माँ का सुरेंद्र काका। हेलो साले, तू यहाँ क्या कर रहा है? साले तू क्या करता है? जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता तू? जाके अपनी बीबी बिल्लो से पूछ। उसने मेरे सारे एपिसोड देखे हैं। बात बता, तू ये टैलेंटेड बैंड में कर क्या रहा है? ओ हेलो, मैं टैलेंटेड बंदा, म्यूजिकल बंदा हूँ, और तू क्या समझता मैं ऐसे ही बैठ गया हूँ? सुना म्यूजिक। क्या समझे साले, अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, जरा भाई ध्यान रखना, सो ना जाए ये बंदा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों मुझे ये ना सोचो कि मैं ऐसे ही यहाँ पे आ गया हूँ, मैं इज्जतदार बंदा, इज्जत कमाई है, एक मेरी बेटी, दो मेरे जमाई है। दरअसल बात पता क्या है कि मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पे आया हूँ, मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने रख लिया। क्या हुआ यार, तू क्यों फिक्र कर रहा है? मैं तेरे साथ हूँ, अब शो हिट करेंगे मिलके। यस मिलके हट रे। तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना मैं शो चला नहीं पाऊंगा? ए सुरेंद्र बता, इसको चला पाऊंगा या नहीं? देखा सुरेंद्र ने भी कह दिया कि मैं ये शो नहीं चला पाऊंगा। यही तो मैं कह, लेकिन मैं चला के दिखाऊंगा। देखो जी मैं तो साफ बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता कृष्णा कि ये शो तू मेरे बिना चला पाएगा 4-5 साल से ज्यादा। तू जाता है इधर से कि मैं लात मार के भगाऊं। लात अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो कॉमेडी तो क्या, तू लात मारने को भी तरस जाएगा। यार तू पहले तरस तो ले, पहले ही मार दी तूने, हैं? मेरे को लात पड़ी, आप हंस रहे हो, यानी कि मेरी बेइज्जती। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तू मेरे पैर पकड़, अब मुझे मेरे गले लगा, तू मेरे जो मर्जी कर ले, अब नहीं रुकूंगा। रुक जाइए ना। ओके रुक गया, तेरा मजाक बड़े करता है ना। हाँ देखिए मजाक बहुत हो गया, अब कुछ सीरियस बात करते हैं, हैं? सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या कहना क्या? अरे चला जाऊंगा यार, फॉर्मेलिटी के बड़े चक्कर में पड़ गया। सिक्योरिटी देखो बहुत सीनियर आदमी है, बहुत ही इज्जत से घसीट के ले जाओ इनको। क्या मतलब? ये गलत बात है, ये मैंने सोचा इज्जत है, या तो ये कैमरे बंद कराओ या मुझे पीछे जाके पिटो। ओके कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं पिटाई के बाद। ओके चल तो रहा हूँ मैं। अरे सिक्योरिटी जरा संभाल के, अरे महंगाई का जमाना है, खर्चा पानी कम दो यार। दोस्तों महंगाई का असर सिर्फ आम आदमी पे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर भी हुआ है। आइए देखते हैं कि लता जी का क्या कहना है। सब लोगों को लता दीदी का प्यार भरा सुरीला नमस्कार। पहले तो मैं पूरे 7 सुरों में गाती थी,
लेकिन जब से महंगाई बढ़ गई है तो मैं सिर्फ 4 सुरों में गाती हूँ। मेरा तो फिर भी ठीक है, मुझे सिंगिंग की नॉलेज है, इसलिए मैं गाना गा लेती हूँ। लेकिन पता नहीं हिमेश कैसे मैनेज करता होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या बात है, जोरदार तालियां। दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा पहला एपिसोड है और मुझे अभी अभी पता चला है कि मुझे यहाँ सपोर्ट करने के लिए आने वाली है मेरी अपनी अर्चना जी। लगता है गेट तक पहुंच चुकी है। अरे आने दो, अपना ही आदमी है। तो दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरी अपनी माइंड ब्लोइंग, आई वॉन्ट टू टेक यू होम, अर्चना पूरन सिंह। I can't believe this. अरे देखा मेरे शो का जादू, मेरे शो पे आते ही अर्चना जी मर्द से औरत लगने लगी है। मैं वो अर्चना नहीं हूँ जो माइंड ब्लोइंग, मैं तो वो अर्चना हूँ जो पवित्रता में आती है। तो बाहर निकालो यार, मतलब बाहर निकालो अपने आंसुओं को, तभी तो मैं मानूंगा कि तुम पवित्र रिश्ता की अर्चना हो। वो क्या बात है ना कृष्णा, आज मैं यहाँ लोगों को रुलाने नहीं, हंसाने आई हूँ। और वो भी अकेले नहीं, अपने हस्बैंड के साथ। तो कहाँ हैं आपके हस्बैंड? मानव, मानव। ओ भैया, मरवाओगे क्या? आज मेरा पहला एपिसोड है, ये क्या कपड़े पहन कर आ गए हो? यार देखो मैं सिरक काम से आया और वैसे भी ये मेरा फेवरेट कॉस्ट्यूम। चलो आप जैसे भी आए हो, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम, जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा मैंने आप दोनों के बारे में सुना है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर आप दोनों ने शादी भी की और फिर डिवोर्स, ये चक्कर क्या है? अरे तुम्हें पता है ना कृष्ण, दो सच्चे प्यार करने वाले को ये बेदर्द जमाना कभी मिलने नहीं देता। डोंट गेट इमोशनल यार, मैं हूं ना, मैं मिलवाऊंगा। देखिए वहां है आपके शादी का जोड़ा, हाँ। और यहाँ है मेरे पास ये मेरी घड़ी, और आपको एक दूसरे को ये कपड़े पहनाने हैं सिर्फ एक मिनट में। एक मिनट में? और आपका वक्त शुरू होता है अब। ओके उतारो उतारो। अरे मुझे मदद नहीं करनी यार। अरे सबसे पहले चूड़ियां पिलाओ इनको। मैं आज शादी करके रहूंगा। कुछ भी हो जाए। अरे मानव कहाँ गए? अरे जल्दी जल्दी जल्दी। तो कृष्णा, अरे मेरी चूड़ियां। ये क्या? ये मेरा नहीं है। अच्छा। मानव ने पहनाई, वो नहीं पहना था मानव। चूड़ी चूड़ी। क्या बात है, टाइम से पहले ही खत्म कर दिया, इनके लिए जोरदार तालियां। पानी को छोड़ो, पहले शादी कराओ। शादी करने की बड़ी जल्दी है इनको, लेकिन यहाँ शादी ऐसे नहीं होगी, ये कॉमेडी का डेली सोप है, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये आप वहां जाएंगे तभी पता चलेगा। चलो अर्चना चल के देखते हैं। जाइए जाइए जाइए, जल्दी जाइए। दोस्तों आप पिछले एक साल से अर्चना और मानव की शादी देखने के लिए बेकरार थे, लेकिन आपने देखा कि हमारे कॉमेडी के डेली सोप ने एक मिनट में शादी करवा दी। और ये लोग जो कहते हैं ना पवित्र रिश्ता, याचा माइला ये पवित्र नहीं रहा, बहुत ही अपवित्र हो गया है। आइए आप खुद ही देख लीजिए। वो अर्चना यहां तो कोई है ही नहीं, चलो जल्दी जल्दी शादी कर लेते। एक मिनट,
शादी नहीं होने देगी। तुम कौन हो और ये शादी क्यों नहीं होने देगी? ये शादी नहीं हो सकती, और अगर तुम दोनों को शादी करने गए तो तुम लोग को मेरे जोत पैसे गुजरना होगा। जोत पैसे? जोत नहीं मालूम, जोत मतलब ये मौत की बात कर रही है। और क्या बोली मैं? आद्यो। पहले ये बताओ तुम हो कौन? मैं हूँ एक अभागी जो घर से चार बार भागी। मानव ये कौन है? अभी तो बोली मैं अभागी। हाँ, सच है, यूनिक नेम, थोड़े से शादी कर लेते। ओए ओए, इधर आ। यूनिक नेम नहीं, यूनिक गेम जो इस दानों ने मेरे साथ खेला है। ये दानव नहीं है, मानव है। हाँ। इसका हरकतें तो दानव जैसे है। ये देखो क्या किया इसने। ये मेरा नहीं है। ये तेरा नहीं है, ये मेरा पेट है, इसके अंदर जो है वो तेरा है। इसके अंदर जो बच्चे है वो इसके। क्या? नहीं अर्चना, ये फ्रीज नहीं है, ये एक्सप्रेशन लॉक मत करना। ए लड़की क्या बोल रही हो? अर्चना अर्चना अर्चना, मुझे तो कोई ये बाजारू औरत लगती है। हाँ तो मैं है ही बाजारू औरत। तेरा घर उधर बाजार में, बाजार से आई तो क्रॉस कर चढ़ने बाजार से। ए चुप रहो तुम। अर्चना चुप रहो तुम। ओके, ये सब क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे बताओ अभी। बहन मैं तुमको बताते, मेरा नाम है PPCC, मैं हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। अच्छा, तो आप नर्स हैं? नहीं नहीं, मैं नर्स का काम करती, मैं काम वाली है। मानव आप एक काम वाली के साथ? मुझे नहीं पता था मानव कि आप शाइनी हो चुके, इतने बड़े फैन हैं। है नहीं था अर्चना, था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मैंने उसके सारे पोस्टर्स फाड़ दिए। तुम्हें तो पता है हमारा रिश्ता है। रिश्ता नहीं है, किस्सा है, किस्सा बहुत बड़ा किस्सा है। मैं तुमको सुनाती हूँ। एक अबला नारी मैं रात को 3 बजे घर पे लौट रही थी। इतना लेट क्यों? क्योंकि मैंने दारू पिया था ना। लेकिन नालायक ने मेरे को अपने घर पे घुसने नहीं दिया। अब इसके घर क्यों जा रही थी? हुँ? अपने घर क्यों नहीं? ओके, मेरा पति बोला था कि रात को बहुत लेट होएगा ना तो घर पे नहीं आने का। इसलिए मैं दूसरे लोग के घर पे जाके सो जाती हूँ। लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि इसने तुम्हें घर नहीं घुसने दिया, फिर ये सब कब, कैसे? घर पे घुसने नहीं दिया, इसने बोला कि बाजू वाले का घर खाली है, उधर जाएंगे, ऐसा बोला। मैं नहीं मानती, मेरे मानव ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ यार। देखा देखा देखा, क्या बोला? मतलब कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी औरत के साथ नहीं कर सकता। ए, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि बच्चा मेरा है? हाँ। देखा, मेरे को मालूम तो ऐसी बोलेगा, मेरे को पूरा मालूम था, इसलिए ना मैं अपने MMS लेके आई दोनों का। ये देख। सुरेंद्र? हाँ? गलती से सुरेंद्र के MMS लाए। देखा देखा, मैं जानता था ये बच्चा लन औरत है, झूठ बोल रही है। हाँ मानव, मुझे पता था कि आप ऐसी औरत के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे मानव तो इतने बोले, इतने बोले, इतने बोले, इतने बोले, इतने बोले कि सिर दर्द होते तो भी ना गर्भ निरोधक गोली खाते। क्या गर्भ निरोधक? नहीं नहीं, इसका तुम्हारा मतलब दर्द निरोधक। और क्या बोली मैं? आप इसके शक्ल पे मत जाओ, शक्ल से बहुत बोला लगता है। मालूम इसने मेरे साथ क्या किया? एक दिन ये बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में आया, मैं ढूंढा इधर उधर, ऑक्सीजन का मास्क नहीं मिला, तो मैं इसको माउथ टू माउथ परस्पिरेशन दिया। परस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन। और क्या बोली मैं? उसके बाद माउथ से लेके साउथ तक सबको डाउट हुआ। ये और डेस्परेशन में रेस्पिरेशन की बात कर रही है अर्चना, मैं तुम्हारा हूँ। देखो अगर तुमने मेरे नहीं हुए तो मैं इसको शराब दूंगी। अरे शराब नहीं, श्राप दूंगी बाबा। और क्या बोली मैं? देखो देखो, अगर देखो तुमने मेरे को नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारे बांबू का कारखाना जला देगी। बांबू का कारखाना? लेकिन मेरे मानव का कोई बांबू का कारखाना नहीं है। ये मानव बांबू वाला नहीं है। सॉरी, अंधेरे में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। पर अंधेरा कहाँ है, उल्टा? इधर ही हूँ, उस दिन अंधेरा था ना, तो सॉरी, यू कैरी ऑन प्लीज। गलती हो गई, मैं इसी थोड़ा, एक्सक्यूज मी, इधर और कोई सेलिब्रिटी लोग हैं? कृष्णा। उसका कौन सा कारखाना है? कॉमेडी का कारखाना, बहुत पैसे कमा रहा है। ये मेरे बच्चे का बाप, ये मेरे बच्चे का बाप। इधर आ, उधर क्या बैठा है? मैं प्रेग्नेंट है, ज्यादा चल नहीं सकती। इधर आ। तू ज्यादा चलती है ना, इसलिए प्रेग्नेंट हो गई है। तेरा बाप आ गया। करती है। तेरा बाप आ गया।
तेरे बाप आ गया। बाप आ गया? अली लोगों के सामने सच बता रही है? देख, तेरे को मेरे से शादी करना पड़ेगा, ये पाप किया तूने। शादी करना पड़ेगा। अरे अरे, शादी करना पड़ेगा, भाग इधर से। अच्छा ठीक है, पैसा तो दे, कुछ पैसा निकाल। पैसा 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 चाहिए तेरे को? हाँ, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो एक शर्त है। ओके, बच्चा अभी दे, अभी पैसा देता हूँ। सोच ले मैं चली जाएगी। अरे क्या सोचना, चल हट। तेरा पूरा चिट्ठा खोल देगी। अरे खोल दे, खोल दे, चल भाग। साउथ की रानी मुखर्जी। मानव और अर्चना के लिए जोरदार तालियां। अच्छा ये बताइए कि कैसा लगा आपको हमारे कॉमेडी के डेली सोप का ट्विस्ट? बहुत अच्छा लगा और बहुत नया भी लगा, क्योंकि हमेशा रुलाने के पैसे मिलते हैं, आज पहली बार आसानी के मिले। क्या बात है, तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक टू कॉमेडी का डेली सोप। दोस्तों, जो अगले दो परफॉर्मर आने वाले हैं वो मेरे चेले हैं। वो ऐसा डांस करते हैं कि लोगों के छक्के छूट जाते हैं। पिछली बार उन्होंने मेरे घर पे डांस किया था, 6 छक्के छूट के भाग गए थे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए धर्म के धर्मेश और प्रिंस का। बात है धर्मेश सर, यार मैं तो नॉर्मल इमेज में डांस नहीं कर पाता, आप मिरर इमेज में कमाल दिखाते हो। हाँ, थैंक यू सर। अब मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगा। प्लीज सर। यस, लॉकिंग पॉपिंग, लॉकिंग पॉपिंग कर कर पड़ेगी नहीं तो। पॉपिंग, लॉकिंग पॉपिंग, लॉकिंग पॉपिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखो दोस्तों, आज का एपिसोड तो खत्म हो गया है, और जिस शो की शुरुआत ही इतनी अच्छी है उसका एंड तो माइंड ब्लोइंग ही होगा ना। हाँ, इसलिए कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, और टीवी चालू कर देना, नहीं तो अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं बंद टीवी पे भी आ जाता हूँ। हाँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। नहीं तीजे माइल, ऐसा बोलता नहीं हूं मैं, अगला शो आने वाला है, देख लो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.